अस्सलाम वालेकुम क्लास। उर्दू अलिफ का चैप्टर है बर्फ़ ही बर्फ़। इसकी नेक्स्ट रीडिंग करेंगे आज। यहाँ से गर्मी के दिनों में चर्बी, गोश्त और ज़रूरत का सामान जमा किया जाता है। काम करते करते सब थक जाते हैं, सारा वक्त जल्दी से गुजर जाता है और फिर बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। बर्फ़ से इग्लो बनाने का काम तब शुरू होता है, हर तरफ बर्फ़ होती है, हत्ता के घर भी बर्फ़ के होते हैं। इग्लो के अंदर सेल और दूसरे जानवरों की खानों को लगाकर इसे गर्म रखा जाता है। लोग बर्फ़ पर चलते फिरते हैं और समंदर पर जाकर बर्फ़ को तोड़कर सुराख करते हैं और इसमें भाले डालकर मछली के इंतज़ार में बैठ जाते हैं। अक्सर बड़ी देर में मछली नज़र आती है और इसका शिकार तेज़ी से करना पड़ता है। जब भी आमा शिकार की हुई मछली खाएगा तो पड़ोस में भी बांटेगा, क्योंकि एस्किमो हर चीज़ अपने पड़ोसियों को ज़रूर देते हैं। सर्दियों में सब लोग इग्लो में बन बैठे रहते हैं और खूब गोश्त खाते हैं और बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। जब भी कोई शिकारी टीम बहुत सा शिकार लेकर आती है तो सब खुशियाँ मनाते हैं, नाचते गाते हैं और रात को सब बेहतरीन सी दावत में साथ मिलकर मज़ेदार गोश्त खाते हैं। इसके बाद शिकार के किस्से और कहानियाँ शुरू होती हैं और हंसी खुशी वक़्त गुजर जाता है। हमारी एस्किमो की दुनिया में बहुत फ़र्क है, वो दुनिया के दूसरे लोगों की बातें सुनकर हंसते हैं और हैरान होते हैं। यहाँ तक आपने रीडिंग याद करनी है। नेक्स्ट उर्दू के क्वेश्चन करेंगे। एस्किमो की ग़िज़ा के बारे में तीन जुमले लिखें। इसका जवाब है, एस्किमो मछली खाते हैं, एस्किमो सेल का गोश्त, एस्किमो सफ़ेद बालू का गोश्त खाते हैं। जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले। हमदर्द, हमदर्द का जुमला होगा, अली बहुत हमदर्द है। नेक्स्ट है इलाके, हम गर्म इलाके में रहते हैं। रोक टोक, एस्किमो बच्चों को खेलने से कोई रोक टोक नहीं करता। खालें, जानवरों की खालें शिकार से हासिल होती हैं। हमसाए, सना मेरे हमसाए में रहती है। ये आपने क्वेश्चन याद करने हैं और इन्हें आपने नोटबुक पर लिखना है।